शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, मैं आए? या श्वेता, कम इन। सर, वो केशव एकदम ठीक कह रहा था। इसने रात 11:30 बजे ही फ्लाइट बोर्ड की थी और रात को 2:30 बजे होटल में चेक इन किया था। श्वेता फिर कौन हो सकता है? सर, या चल सही है, देखिए अच्छा तो ये माजरा है। दी, तुम ठीक हो? नहीं, मुझे ऐसी वॉमिटिंग पहले कभी नहीं हुई। ये बताओ, ये बात कंफर्म कैसे होगी? सोनू, तुम मेडिकल स्टोर जाके प्रेगनेंसी किट ले आओ। क्या? मैं? हाँ, तुम। ठीक है। बैठो दी, बैठो। भैया प्रेगनेंसी कर देना ना। प्रेगनेंसी ना हुआ? अच्छा सर। क्या हुआ? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या हुआ बताओगे? बताओगे प्लीज। इट्स नेगेटिव। यार तुम दोनों बहनें ना मेरी इतनी जान ले लोगे। चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे बना के आ रहे हो जैसे कि मार दिया था मुझे। तो लिसन, इस बार तो हम बच गए पर अगली बार बच जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा प्रोटेक्शन यूज करेंगे, नहीं तो हमारी लाइफ में जो फन चल रहा है ना, इसका मजा ही खत्म हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपकी जिंदगी का मजा हम कम नहीं होने देंगे। आपके जेल का सफर भी फन से भरा होगा। सर, पर हमने किया क्या है? किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब बताता हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हें इनके घर पे देखा था, तभी मेरे दिमाग में खलबली सी मच गई थी। फिर मैंने अपने एक ऑफिसर को तुम्हारे पीछे लगाया, जिसने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। ये देखो, तुम लोग कहां जाते थे, क्या क्या करते थे, और उस दिन मेडिकल स्टोर में जब तू प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने के लिए गया था ना, तब भी मेरा ऑफिसर वहां मौजूद था। भैया प्रेगनेंसी कर देना ना। ना हुआ? अच्छा सर। क्या लिया वो? आप कौन? पुलिस। प्रेगनेंसी किट ले। फिर मेरे ऑफिसर ने मुझे इन्फॉर्म किया। अब सच सच बता, कल्पना जी के मर्डर में तू अकेला शामिल था? तो बताने ही वाली थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
सर ये सब होने के बाद मैं बिल्कुल डर गया था, मुझे लगा ये दोनों बहनें सर मुझे छोड़ देंगी, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर हम दोनों बहनें इससे प्यार करते थे सर, और साथ ही साथ हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, इसीलिए हमने सोनू को एक्सेप्ट किया और सोनू को मम्मी से मिलवाया सर। देखो बेटा तुम अच्छे घर के लगते हो, लेकिन मेरी यहाँ दो दो लड़कियां हैं, तुम समझ सकते हो, किसी भी लड़के को यहाँ रहने देने की रिस्क मैं नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी कोई बात नहीं आंटी जी, इट्स ओके। पर जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, तो इतना तो भरोसा कर ही सकती हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपके घर की मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। मम्मी रहने दो ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ मम्मी कह रहे ना, हम एडजस्ट कर लेंगे, और वैसे भी एक रूम तो खाली है ना हमारे घर में। आंटी जी मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है बेटा। थैंक यू आंटी। तुम लोगों ने कल्पना जी के भरोसे का अच्छा सिला दिया, अब ये बताओ कैसे मारा कल्पना जी को? हम दोनों बहनें अपनी माँ से नजरें बचाकर सोनू के साथ उसके कमरे में रातें बिताने लगी थी, और फिर उस रात सच में तो मजा आता है तुम्हारे साथ। सच में मुझे भी तुम दोनों के साथ बहुत मजा आता है। मम्मी तुम दोनों इसके साथ यहां मुंह काला कर रहे हो? इसी वजह से तुमने इसे यहां रुकवाया था ना? और तू निकल यहां से। मम्मी काम छोड़ो इसे। मम्मी आप इस उम्र में केशव अंकल के साथ इश्क लड़ाओ तो वो सही, और हम दोनों अगर जवानी में इश्क लड़ाएं तो वो गलत। मेरा केशव के साथ कोई चक्कर नहीं है, तुम तीनों जो ये कर रहे हो ना इसे वासना कहते हैं, इश्क नहीं। मम्मी जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तमीज कहीं की, जबान लड़ाती है, तू निकल यहाँ से। आंटी जी छोड़िए मम्मी से। मम्मी, मम्मी, मम्मी छोड़ो इसे। सोनू यही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। यहाँ तो पुलिस है, अब क्या करें? एक एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर देखते हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। सर हम जानते थे पुलिस को लाश मिल ही जाएगी, इसलिए जब आप हमसे पूछने आए थे
तो हमने उनके अफेयर के बारे में आपको बताया था सर, ताकि हम पर शक ना हो। तुम्हारी इस हरकत पे शर्म भी शर्मसार हो जाए। शर्म नहीं आए तुम लोगों को? इतनी बेरहमी से अपनी माँ को मार दिया, ऐसी माँ जिसने अकेले तुम दोनों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया। लानत है तुम दोनों पे, लानत। उन्हें इतना भी महान मत बनाइए सर, वो भी तो इस उम्र में इश्क लड़ा रही थी। चुप रहो तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के गंदे दिमाग की सोच है। कोई अफेयर नहीं चला था कल्पना जी और केशव का। ये बात मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तो तुमने उनकी कदर नहीं की, तो अब क्या फायदा? विदा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और इन तीनों पे मर्डर चार्ज लगाओ। ओके सर।